जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एमोक्सिसिलिन कैप्सूल के बारे में। एमोक्सिसिलिन एक पेनिसिलिन ग्रुप का एंटीबायोटिक होता है जो कि एंटीबैक्टीरियल के तरीके से कार्य करता है, यानी कि बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। बैक्टीरिया से होने वाले किसी भी प्रकार की बीमारी में इस दवा का सेवन कर सकते हैं, जैसे कि अगर गले का इन्फेक्शन हो या कान का इन्फेक्शन हो या श्वास नली का इन्फेक्शन हो या फेफड़े का इन्फेक्शन हो या मूत्र मार्ग का इन्फेक्शन हो या गोनोरिया हो गया हो। गोनोरिया एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, या किसी को मेनिनजाइटिस हो गया हो जिसको दिमागी बुखार भी कहा जाता है। तो बहुत सारे इसकी यूजेस हैं। बैक्टीरिया से होने वाले किसी भी प्रकार की बीमारी में इसका यूज़ किया जाता है, जैसे कि अगर किसी को घाव हो गया हो, ठीक ना हो रहा हो, उस कंडीशन में भी इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके डोजेज की। तो 20 mg से लेकर 40 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से पर डे दिया जाता है, चाहे वो एडल्ट हो या चाइल्ड। अगर एक जनरल डोजिंग की बात की जाए तो एडल्ट को 500 mg से लेकर 1000 mg दिन में 2 बार दिया जा सकता है। जो 12 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं उनको 250 mg से लेकर 500 mg दिन में 1 बार दिया जा सकता है। यह मेडिसिन प्रेगनेंसी में या कोई ब्रेस्ट फीडिंग मदर है तो वो सेवन कर सकती है, इसका बिल्कुल सेफ मानी जाती है। प्रेगनेंसी के लिए या कोई ब्रेस्ट फीडिंग मदर है यानी कि बच्चे को दूध पिला रही है, तो इस दोनों कंडीशन में ही यह दवा सेफ मानी जाती है। बट उस कंडीशन में क्या होता है, इस दवा की डोज को कम करके दिया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट की। तो इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं, जैसे कि डायरिया यानी कि दस्त लगना, नौजिया यानी उल्टी जैसा महसूस होना, या वोमिटिंग यानी कि या उल्टी आना। कभी कभी क्या होता है कि स्किन में चकते पड़ जाते हैं, रैसेस हो जाते हैं। तो ये इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू।